किंग खान की फिल्म जवान में शाहरुख को दादा साहिब अवार्ड मिल जाने पर राजकुमार हिरानी का चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया है। बॉलीवुड की तरफ से जवान में शाहरुख को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। वहीं राजू हिरानी डंकी को लेकर कहते हैं कि शाहरुख खान में वो काबिलियत हैं जो इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड लेवल पर ले जा रहे हैं। दुनिया में शाहरुख खान की काफी बड़ी फैंस फॉलोइंग है और अब उनकी जवान पठान को दादा साहिब फाल्के बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया है। वही शाहरुख अपनी अगली फिल्मों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और 2024 से 2025 तक शाहरुख अगली फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, जिसमें तीन बड़े डायरेक्टर शाहरुख के साथ हाथ मिला चुके हैं। की डंकी के बाद अब शाहरुख साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ फिल्म बनाने वाले हैं। फिल्म आएगी और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में तीन फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन एसआर के किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी। शाहरुख हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं।